अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? कैसे चल रही है आपकी प्रेपरेशन? बेटा, मैं पीजी एंट्रेंस वालों की बात कर रहा हूँ। जो बच्चे मेरे लाइव बैच में हैं, तो एक हफ्ते से मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले रहा हूँ। तो आई एम टॉकिंग टू दो स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग माई लाइव क्लासेस फॉर एजुकेशन। ठीक है, आप सब कैसे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि एक हफ्ते से मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले रहा हूं। हम लाइव आपकी क्लास ले रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दिस टाइम आई एम विद यू एंड आई एम वेरी मच हैप्पी। ओके, और मैंने आपको ये भी कहा था कि ईद के बाद अब क्लास होगी, लेकिन मुझे आज लगा कि भाई बहुत दिन हुए तो आप लोगों की क्लास मैंने नहीं ली। तो आज हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो कि हमने सिलेबस में नहीं पढ़े अभी तक। ऑलमोस्ट वी आर डन विद द सिलेबस, एवरी टॉपिक हैज बीन कवर्ड, बट जो लास्ट के दो चैप्टर्स है, लाइक सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, उन दो चैप्टर्स में एक दो क्वेश्चन है जो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको ये वाला लेक्चर जो है बहुत अच्छे से समझ आएगा, और अगर वाकई समझ आ रहा है ना तो कमेंट सेक्शन में भी जरूर बता दीजिएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो हम आपका ये वाला लेक्चर जो है वो लाइव दे सकते हैं। ठीक है, आई मीन टू से जब हम जिस तरह हम लाइव क्लासेस आपकी ले रहे हैं उसमें ये फिर से डिस्कस होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम ऐसे पढ़ेंगे। इंशाल्लाह सारे पॉइंट्स इसमें हम डिस्कस करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये समझ आए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई कहीं पे डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, या आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हो। तो आज का टॉपिक क्या है? यस माई डियर, हम चूंकि हम अडल्ट एजुकेशन पढ़ रहे थे, वो टॉपिक जो है एडल्ट एजुकेशन के जितने भी टॉपिक्स रहे हैं वो हम लाइव क्लासेस में ही पढ़ेंगे, लेकिन जो सेकेंडरी एजुकेशन का जो यूनिट है उसमें आपको सेकेंडरी एजुकेशन का मीनिंग बताना है, स्ट्रक्चर बताना है, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है सेकेंडरी एजुकेशन में, उनके रिकमेंडेशंस वगैरह है ना। तो इस यहाँ प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ करिकुलम, वो सारी चीजें हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस की है, लेकिन इसमें से सेकेंडरी एजुकेशन के पार्ट से हमें और एक क्वेश्चन पढ़ना है जो कि हमने लाइव क्लास में नहीं पढ़ा। तो वो क्या है? यस माय डियर, दैट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज रमसा। ओके, इसी तरह मैं हायर एजुकेशन की अगर बात करूंगा, हायर एजुकेशन में हमने राधा कृष्ण कमीशन पढ़ा, राधा कृष्ण कमीशन जो है वो हायर एजुकेशन से रिलेट है, तो उसमें रिकमेंडेशन जो भी मैंने पढ़ा है वो हायर एजुकेशन के लिए है, लेकिन उसमें से भी हमें एक दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। लेकिन आज मेरा कहने का मतलब यहां पे है, आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर हायर एजुकेशन। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो क्या है? देखिए, अगर मैं सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन की बात करूं, अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन की बात करूं तो पहले हमारा आता है प्राइमरी एजुकेशन, मैं सिंपली लिखूंगा पीई, एंड आफ्टर दैट यू हैव सेकेंडरी एजुकेशन, एंड देन वी हैव हायर एजुकेशन। राइट माय डियर, तो ये तीन चीजें आपको बेटा याद रखनी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान, वेरी गुड, SSA। इसी तरह हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन दैट इज रमसा, RMSA, रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आगे बात करेंगे। एंड नंबर नेक्स्ट इज हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन के लिए बेटा रूसा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह डिस्कस होंगी, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो ये दो है, वन रमसा, अनदर इज रूसा। तो चलते बेटा हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट आर रिलेटेड विद रमसा एंड दैट आर रिलेटेड विद रूसा। एंड डेफिनेटली कल जाके ना इसमें एक क्वेश्चन आएगा और इस वाले में एक क्वेश्चन आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, और हाँ, जितने भी पॉइंट्स में यहां पे आपको बताऊंगा, जितने भी मैं एक एक पॉइंट यहां पर नोट करूंगा और आपको वो नोट अपने नोटबुक में लिखने होंगे। ओके माय डियर, और जिस स्टूडेंट को मैंने कहा था कि वो शेयर करे तो वो अच्छी तरह से इसको लिखे, फिर वो ग्रुप में भी शेयर कर सकती है। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो हमारा है, पहले स्टार्ट करेंगे रमसा से, और अगर टाइम मिल रहा है तो रूसा भी इंशाल्लाह कंप्लीट करके देंगे इंशाल्लाह अभी। और हाँ माय डियर, मंडे से आपकी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू चलेंगे, और आपको टाइमिंग के बारे में हम आपको
नोटिफिकेशन भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपकी क्लास कब कहां कैसे होगी, ठीक है। तो यू डोंट वरी अबाउट योर क्लासेस, तो इंशाल्लाह आपका सारा सिलेबस जो है इंशाल्लाह कंप्लीट करके देंगे। और रहा सवाल जो रेमेडियल क्लासेस है, रेमेडियल क्लासेस के लिए भी टाइमिंग मैं फिक्स करूंगा और वो भी घबराए नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, सर हमारी क्लास कब होगी, रेमेडियल क्लास कब होगी, सब कुछ इंशाल्लाह कवर होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो हमारा है दैट इज रमसा। देखिए समझेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन आ सकता है कि रमसा का मतलब क्या है। देखो ये एब्रिवेशन है, एब्रिवेशन आर स्टैंड्स फॉर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। यस, राष्ट्रीय, अगर स्पेलिंग में इधर उधर हो जाएगा तो आप ये खुद ठीक करेंगे। राष्ट्रीय, टी आर आई वाई ए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया एक पॉइंट, ओके। तो नंबर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल, वेरी गुड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल मिशन, नेशनल मिशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। वेरी गुड बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, प्लीज रिमेंबर दिस। तो पहला पॉइंट क्या मैंने लिखा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड इट इज नेशनल मिशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसका मतलब है जो रमसा है इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो दैट्स मैंने यहां पर लिखा है, इट्स अ मिशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, राइट। तो यहां पर इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ एमओई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसको पहले जो एनपीई 2020 से पहले इस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, राइट माय डियर। यस, एमएचआरडी, यस, और प्रीवियसली वाज कॉल्ड एज मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी। नाउ दिस एमएचआरडी इज कॉल्ड एजुकेशनल मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये बेटा याद रखेंगे एज पर द एनपीई 2020 न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ओके। एंड दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड, यस, दिस स्कीम वॉज launched in March 2009. That's very important, my dear. The date can be asked. तो उस वक्त की the then Prime Minister, that is Manmohan Singh. Manmohan Singh was the then Prime Minister under the Prime Ministership of Manmohan Singh. तो 2009 ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये बेटा याद रखना है, okay. After that, इसको इम्प्लीमेंट कब से कहां करना था, 2000 इम्प्लीमेंटेशन कब आया, 2009 to 2010 इसको इम्प्लीमेंटेशन करना था, इम्प्लीमेंटेशन, ओके। नाउ ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन, ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन बेटा। अब देखिए इसमें, इस स्कीम में क्या क्या इंक्लूड होता है, जल्दी से हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं जो कल आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो कोई भी पॉइंट स्किप नहीं होगा इंशाल्लाह, ओके। द स्कीम इंक्लूड्स, कौन सी स्कीम, रमसा, द स्कीम, द स्कीम इंक्लूड्स नंबर वन मल्टी डायमेंशनल रिसर्च, या मल्टी डायमेंशनल रिसर्च, इट्स वन। नंबर सेकेंड, नंबर सेकेंड, टेक्निकल कंसल्टिंग, यस। एंड नंबर थर्ड इज फंडिंग। सो माय डियर, तो ये पहला पॉइंट है, इस स्कीम के अंदर तीन चीजें आपको याद रखनी है। One is multi-dimensional research,
अनदर इज टेक्निकल कंसल्टिंग एंड थर्ड इज फंडिंग। ये टारगेट था किसका? रमसा का। अब आते हैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स पे। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए टारगेट के बाद, स्कीम के बाद ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? मेन ऑब्जेक्टिव सबसे पहले था, द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू एनहेंस क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। ये जो प्रोग्राम है, ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका पर्पज क्या था? इसका पर्पज ही था कि हम कैसे एनहेंस करेंगे कौन सी एजुकेशन को? सेकेंडरी एजुकेशन को। तो यहां पे द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू एनहेंस क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मैंने सेकेंड के ऊपर डॉट लिखा, इट्स सेकेंडरी, हा, सेकेंडरी एजुकेशन। एंड इंक्रीज टोटल एनरोलमेंट रेट फ्रॉम 52%, ये 52% 2005 टू 6, मैं इस पॉइंट को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, 52% टू 75% इन 5 years, दैट इज 2009 से लेकर 14 तक। हाँ एग्जैक्टली। तो देखिए बेटा, जब रमसा का मेन ऑब्जेक्टिव था कि सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाया जाए और इंक्रीज किया जाए एनरोलमेंट का मतलब क्या है? एडमिशन, जो सेकेंडरी एजुकेशन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 2005 टू 6 में 52% थे। टारगेट क्या करना था? इसको एक्चुअली यूनिवर्सलाइज करना था। टारगेट क्या रखा गया? 52% से वो 75% तक आना चाहिए 5 ईयर के अंदर अंदर, ठीक है। टारगेट वॉज 2014, प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है। नंबर नेक्स्ट, हाँ, द एम वॉज टू एग्जैक्टली, यस, हाँ, दूसरा जो था, द एम टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 15 टू 16 ईयर्स। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया। तो यहां पे टू यूनिवर्सलाइज एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 15 टू 16 ईयर एज। यानी टारगेट, पॉपुलेशन टारगेट क्या था कि जितने भी बच्चे जिनकी एज 15 या 16 ईयर्स की होंगे तो उनको यूनिवर्सलाइज करना है। तो ये मेन फोकस था रमसा का बेटा, ये याद रखना। और टोटल बजट ड्यूरिंग XI 5-year plan वॉज ₹2012 billion। तो अगर US डॉलर में देखेंगे, इट इज 27 billion। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड माय डियर। ओके, समझ आ गया, इतना समझ आ गया बेटा, शाबाश। चलिए इसके और चीजें हम आपको बताएंगे, और पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके फोर मेजर हेड्स क्या है? फोर मेजर हेड्स। नंबर वन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। नंबर सेकेंड इज ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। नंबर थर्ड, एक्सेस एंड इक्विटी,
एक्सेस एंड इक्विटी, एक्सेस एंड इक्विटी। एंड नंबर फोर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। यस, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो ये चार मेजर हेड्स है किसके बेटा, रमसा के। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फंडिंग मेथड है वो क्या है, ये यहां पे इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट, फंडिंग मेथड, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंटर से कितना फंड आएगा, स्टेट से कितना फंड आएगा, किसको एनहेंस करने के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए। तो फंडिंग मेथड में आप बेटा याद रखेंगे, सेंट्रल इज टू स्टेट रेशियो क्या रहेगा, यानी सेंट्रल कितना फंड एलोकेट करेगा और स्टेट कितना। ठीक है, तो इट इज माय डियर सेंट्रल टू स्टेट 75% टू 25% बाय द स्टेट रिमोट। या एग्जैक्टली, इट इज 75% सेंट्रल देगा और 25% क्या, ओके 25% स्टेट। बट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक सिक्किम है, उनके लिए 90% सेंट्रल देगा और 10% नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट देगा। तो यहां पे फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक सिक्किम है, तो इसमें 90% इज टू 10%, यानी 90% सेंट्रल से आएगा और 10% स्टेट से आएगा। लेकिन किन स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपने याद रखना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और एक पॉइंट इसमें हम ऐड करेंगे, यहां तक क्लियर है मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोग लेक्चर को एंजॉय कर रहे हो, और अगर एंजॉय कर रहे हो तो थम्स अप, और अगर ज्यादा एंजॉय कर रहे हो तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ओके, चलिए और एक पॉइंट। अब ये लेटेस्ट है, इन 2018 रमसा SSA, रमसा SSA एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ टीचर एजुकेशन CSSTE। क्या क्या मैंने बताया, रमसा SSA, हाँ, इन 2018 रमसा अलॉन्ग विद SSA एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड टीचर एजुकेशन वॉज डिस्टिंग्विश्ड एग्जैक्टली फ्रॉम समग्र फॉर्म। यस, तो तीन चीजें, रमसा SSA एंड टीचर एजुकेशन, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर टीचर एजुकेशन, देयर वॉज एन एमलगमेशन ऑफ ऑल दीज थ्री, और इनको इकट्ठे किया गया और नाम रखा समग्र शिक्षा अभियान। यस, समग्र शिक्षा अभियान, दैट इज नेशनल एजुकेशन मिशन, नेशनल एजुकेशन मिशन। तो याद रखेंगे जो न्यू द मिशन कंप्राइजेस फोर, हां इसमें और एक है लिटरेसी मिशन भी है इसका, मैंने तीन बताए, जो नया इसमें और एक ऐड किया गया लिटरेसी मिशन, यानी साक्षर भारत, लिटरेसी, लिटरेट सोसाइटी। तो इसमें चार चीजें हैं, रमसा SSA और साक्षर भारत यानी लिटरेट सोसाइटी। अब जो समग्र शिक्षा अभियान है बेटा, ये वाला SSA, ये वाला SSA नहीं, इस वाले इसको सर्व शिक्षा अभियान, लेकिन लेटेस्ट वन जो 2018 में जिसको नेशनल एजुकेशन मिशन बताते हैं, तो इट इज अमलगमेशन ऑफ, इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ हाउ मेनी थिंग्स, रमसा
SSA, टीचर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर टीचर एजुकेशन एंड साक्षर भारत यानी लिटरेसी मिशन, तो इनको कोलैबोरेटिवली एक मिशन का नाम रखा गया, दैट इज नेशनल एजुकेशन मिशन एंड दैट्स कॉल्ड समग्र शिक्षा अभियान। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। आ गया, वेरी गुड। तो दिस वॉज ऑल अबाउट रमसा। अगर मुझे कुछ और पॉइंट्स मिलेंगे तो मैं डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो शेयर करूंगा। तो बेटा मुझे लगता है कि आज इतना ही, इंशाल्लाह अगर मुझे और टाइम, हाँ अभी जो हमारा ईद के बाद जो हमारे क्लासेस होंगे तो उसमें और एक टॉपिक होगा, आज मुझे नहीं लगता कि रूसा जो है वो कवर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे अपनी क्लासों में, तब तक दीजिए शायद सर को इजाजत। थैंक यू, मिला, ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। एंड मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआएं करता हूं कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू, मिला, ब्लेस यू एंड स्टे ब्लेस्ड एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।